फोकस था। तो बलूचिस्तान में जिस तरीके से एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो मस्बत केसेस आ रहे थे उसके अंदर कमी वाक़या हुई है, तो जो इकदाम पहले उठाए गए थे उसका खातिर ख़्वाह हमें नतीजा नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी बलूचिस्तान का जो मस्बत केसेस का जो शरह है वो बाकी पाकिस्तान से ज़रा ज़्यादा है, तो इसलिए हमने ये एक निशानदेही की कि और इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से ख़ास तौर के ऊपर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम, के यानी वो कि जिसका अगर कोई केस मस्बत आता है तो उसके जो आसपास के लोग हैं उनकी निशानदेही करके उन तक पहुंचना और जल्द अज़ जल्द उनको टेस्ट करना ताकि बीमारी उनसे आगे ना फैले, उसके ऊपर हमने तवज्जो देने की दरख्वास्त की है। और टीम्स अगर ज़रूरत पड़े तो और बड़ी करने की दरख्वास्त की है, और उसी से जुड़ी हुई चीज़ है कि टेस्टिंग जो हो रही है, तो ये दो चीज़ों के ऊपर। लेकिन खसूसी तवज्जो आज हमारी ये थी कि तकरीबन 10 दिन के बाद ईद है और बकरा मंडियाँ भी लग गई हैं इस वक्त, और ईद की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो हमने पिछली ईद के अंदर भी देखा था जब लोगों से बदहतियाती हुई तो उसका नुकसान भी हमें नज़र आया, केसेस में इजाफा हुआ, अमवात में इजाफा हुआ। तो हमने तमाम चीफ सेक्रेटरीज आज जो थे उनको ये खसूसी हिदायत ये दी हैं कि अगले 10 दिन जो हैं ये इंतहाई ज़रूरी हैं, और पूरी मुस्तैदी के साथ जो हिफाजती तदाबीर बताई गई हैं, जो SOP बनाए गए हैं बाजारों के लिए भी बकरा मंडी के लिए भी, उनके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद कराना है, इसलिए कि अवाम की तहफ़ के लिए, अवाम की सेहत के लिए है। और अवाम से भी ये अपील है कि जैसे वज़ीर आज़म ने भी कहा है सादगी से ईद मनाएं, आप जो सेहत की हिदायत हैं डॉक्टर साहिबान की उसके ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह ताला ईद भी अच्छी गुजरेगी और उसके बाद कोई परेशानी भी नहीं होगी। फोकस था। तो बलूचिस्तान में जिस तरीके से एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो मस्बत केसेस आ रहे थे उसके अंदर कमी वाक़या हुई है, तो जो इकदाम पहले उठाए गए थे उसका खातिर ख्वाह हमें नतीजा नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी बलूचिस्तान का जो मस्बत केसेस का जो शरह है वो बाकी पाकिस्तान से ज़रा ज़्यादा है, तो इसलिए हमने ये एक निशानदेही की कि और इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से ख़ास तौर के ऊपर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम, के यानी वो कि जिसका अगर कोई केस मस्बत आता है तो उसके जो आसपास के लोग हैं उनकी निशानदेही करके उन तक पहुंचना और जल्द अज़ जल्द उनको टेस्ट करना ताकि बीमारी उनसे आगे ना फैले, उसके ऊपर हमने तवज्जो देने की दरख्वास्त की है। और टीम्स अगर ज़रूरत पड़े तो और बड़ी करने की दरख्वास्त की है, और उसी से जुड़ी हुई चीज़ है कि टेस्टिंग जो हो रही है, तो ये दो चीज़ों के ऊपर। लेकिन खसूसी तवज्जो आज हमारी ये थी कि तकरीबन 10 दिन के बाद ईद है और बकरा मंडियाँ भी लग गई हैं इस वक्त, और ईद की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो हमने पिछली ईद के अंदर भी देखा था जब लोगों से बदहतियाती हुई तो उसका नुकसान भी हमें नज़र आया, केसेस में इजाफा हुआ, अमवात में इजाफा हुआ। तो हमने तमाम चीफ सेक्रेटरीज आज जो थे उनको ये खसूसी हिदायत ये दी हैं कि अगले 10 दिन जो हैं ये इंतहाई ज़रूरी हैं, और पूरी मुस्तैदी के साथ जो हिफाजती तदाबीर बताई गई हैं, जो SOP बनाए गए हैं बाजारों के लिए भी बकरा मंडी के लिए भी, उनके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद कराना है, इसलिए कि अवाम की तहफ़ के लिए, अवाम की सेहत के लिए हैं। और अवाम से भी ये अपील है कि जैसे वज़ीर आज़म ने भी कहा है सादगी से ईद मनाएं, आप जो सेहत की हिदायत हैं डॉक्टर साहिबान की उसके ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह ताला ईद भी अच्छी।